निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों फिर सवाल ये उठता है कि अगर भगवान ने हमें बनाया तो फिर भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आया? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब खोजने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है जिसका डायमीटर करीब 13,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से करीब 17 गुना बड़ा ग्रह नेपच्यून है। हमारे सौरमंडल का एक और ग्रह शनि हमारी पृथ्वी से करीब 760 गुना बड़ा है। उसके बाद आप बृहस्पति को देखिए, ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1300 पृथ्वी समा सकती है। इसके बाद आता है सूर्य, ये हमारे सौरमंडल का तारा है और इसमें समा सकती हैं 1,30,000 पृथ्वी। है ना हमारा सूर्य बहुत बड़ा। लेकिन अगर आप सूर्य की तुलना सिरियस नामक तारे से करें तो आपको सूर्य भी छोटा दिखाई देगा। लेकिन सिरियस सबसे बड़ा तारा नहीं है, उससे भी बड़ा है पोलक्स। लेकिन ब्रह्मांड में पोलक्स से भी बड़ा तारा मौजूद है आर्कट्रस, परंतु उससे भी बड़ा है एल्डेब्रान, और एल्डेब्रान से भी बड़ा तारा है जिसका नाम राइजल रखा गया है। लेकिन अंत यही नहीं है दोस्तों, राइजल से भी बड़ा तारा जो हाइपर जॉइंट की श्रेणी में आता है वो है पिस्टल स्टार, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। पिस्टल स्टार से बड़ा है एंटेरस, एंटेरस से बड़ा है बेटलजियस, उससे भी बड़ा है वी वाई केनिस मेजोरिस, और इन सबसे बड़ा है यू वाई स्क्यूटी, और न जाने कितने ही अन्य अरबों खरबों तारे सिर्फ हमारी आकाश गंगा में है। दोस्तों यह है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। यहाँ से आप देखोगे तो आपको अपनी पृथ्वी लाख गुना जूम करने पर भी दिखाई नहीं देगी। पर दोस्तों अभी बात खत्म नहीं होती, ये तो बस शुरुआत है। ऐसी ही न जाने कितनी ही आकाशगंगाएं जिनमें अरबों खरबों तारे सूर्य ग्रह सब समाये हुए हैं, इन सबसे मिलकर बना है हमारा ब्रह्मांड। ये देखिए, ये है हमारा ब्रह्मांड, इतना बड़ा विशाल, अथा या आप जो भी कहें, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इसकी विशालता और व्यवस्था को बयां करने में। ये है हमारा ब्रह्मांड। खैर दोस्तों अब हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि अगर